बस वाले को गाइस मैंने बोला था कि जयप्रकाश में रोक दो, तो वो नहीं रोकते, बोले छत्रपति चौक में जाके रुके। वो वैसे भी कोई बात नहीं। ये है फेमस राजस्थानी पोहा। हाँ देखिए, राजस्थानी गर्मा गर्म पोहा लिखा हुआ है। मेट्रो स्टेशन से ड्यूटी का रास्ता पूरा अंधेरा होता है, इसलिए आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं, बिल्कुल भी डाटा नहीं दिखा रहा, ना कॉल लग रहा है ना कुछ भी लग रहा है, पूरा दिमाग खराब हो गया गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी सुबह के 5 भी बजने के हैं और पूरा पैकिंग कर लिया हूँ, रेडी हो गया हूँ नागपुर जाने के लिए। बाहर तो अभी रात हो रही है, तो चलते हैं अभी जल्दी जल्दी बस स्टैंड, क्योंकि एकदम 5 बजे बस है, लेट हो जाएंगे तो फिर नागपुर नहीं जा पाएंगे। गाइज अभी फाइनली बस स्टैंड पहुँच चुका हूँ और बसेस पूरे लगे हुए हैं। ये है हमारा नागपुर बस, इसमें बैठ के अभी मुझे जाना है। तो ये कैसे अभी सुबह 5 बजे निकल दी है, अभी 5:15 हो रहे, तो चलते हैं इसी बस से। फिलहाल तो गाइस अभी हमने वरोरा क्रॉस कर लिए हैं। वरोरा क्रॉस करने के बाद बस अभी हम निकल ही गए हैं। अभी देखिए बाहर का व्यू, सुबह हो गई है गाइस, अभी 6:30 बजने को आ रहे हैं करीब। अभी जाम में उतरा हूँ और यहाँ पर अपनी बस लगी हुई है और जाम का बस स्टैंड ऐसा है कुछ। फाइनली गाइज मैं उतर चुका हूँ अभी नागपुर में। मेरे को छत्रपति चौक में उतारे, जयप्रकाश नगर में उतरना था, लेकिन कोई बात नहीं, ज़्यादा दूर नहीं है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल, देखते हैं अभी कहीं नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं रूम पे। रख दो प्लेट। हाँ हेलो सर जी, धनिया लगेगा तो ले लेना आप। हेलो हाँ। तो गाइज ये है फेमस राजस्थानी पोहा। यहाँ देखिए राजस्थानी गर्मा गर्म पोहा लिखा हुआ है, तो खा लेते हैं अभी राजस्थानी पोहा। इसमें गाइस देखिए पूरा आधा एक बड़ा सा एक टमाटर दिए, आधा टमाटर है पूरा, ये है और ये है। गाइस नाश्ता हमने कर लिए है और टेस्ट अच्छा था, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा था। मैंने हाफ प्लेट लिया, हाफ प्लेट 20 रुपये था। तो गाइस सोचो कितना ज़्यादा महंगा, हमारे उधर फुल प्लेट 20 रुपये का मिल रहा है और इधर हाफ प्लेट 20 रुपये का। तो चलो कोई नहीं, कंसीडर कर सकते हैं कि एकदम मेन मेट्रो स्टेशन और मेन रोड के साइड में है, इसलिए रेट ज़्यादा है। फिलहाल तो अभी मैं जा रहा हूँ रूम की तरफ, सामने में जयप्रकाश का मेट्रो स्टेशन, उसको क्रॉस करके और आगे जाना है हमको अपने रूम के लिए। ये रहा गाइस जयप्रकाश का मेट्रो स्टेशन। बस वाले को गाइस मैंने बोला था कि जयप्रकाश में रोक दो, तो वो नहीं रोकते, बोले इसलिए थोड़ा सा दूर रोके, छत्रपति चौक में जाके रुके। वो वैसे भी कोई बात नहीं, छत्रपति से जयप्रकाश हमारा ज़्यादा दूर है ही नहीं, पैदल पैदल तो हम घूमते ही रहते हैं, तो पहुंच गए बस अभी। बस रूम की ओर पहुंच ही गया हूँ और थोड़ी दूर पहुंच गया हूँ अभी रूम पर। क्या बोलते मेरा भाई, बढ़िया कैसा है? रूम पे आने के बाद मैं थोड़ा सा सोता बोला, लेकिन भाई को चाय पीना है, चाय चाय चाय, मैं तो चाय पीता नहीं, लेकिन चल के आते भाई के साथ थोड़ा सा चाय पीने। चाय पियो मूड फ्रेश। मूड फ्रेश। भाई अभी चाय पीने के लिए आ गया, चाय यहाँ बनी रही है, मैं तो नहीं पीता, भाई पिएगा चाय। चाय पीना हमारा कंप्लीट हो गया है, चल रहे हैं अभी रूम पे। सुबह चाय वाय पी के आने के बाद मैं डायरेक्ट सो गया था, और सो के उठने के बाद दोपहर में उठ के टिफिन वगैरह खा के फिर से सो गया था। अभी जस्ट उठा हूँ, उठ के फ्रेश वगैरह होके नहा धो के तैयार होके बस ड्यूटी के लिए निकल रहा हूँ अभी। लेकिन हमारा टिफ़िन अभी भी आने का है, तो नीचे जाके वेट करते हैं टिफ़िन आने का। जैसे ही टिफ़िन आता है वैसे अपन ड्यूटी के लिए निकलते हैं। डब्बा लेके मैं अभी निकल गया हूँ और बस पहुँच भी गया हूँ मेट्रो स्टेशन के पास। अपन आज ज़्यादा लेट नहीं हुए, सही टाइम पे पहुँचे मेट्रो स्टेशन, तो चलते हैं अंदर मेट्रो स्टेशन के। ये रहा जयप्रकाश का मेट्रो स्टेशन, आप लोगों को तो पता ही होगा, रोज मैं इसी मेट्रो स्टेशन से ड्यूटी आना जाना करता हूँ। मेट्रो स्टेशन अभी पहुँच गया हूँ, अपन लिफ्ट से जाएंगे क्योंकि टाइम लगता है एलिवेटर एस्केलेटर
क्या बोलते हैं उसको उससे जाने के लिए, वो सीढ़ी से जाने के लिए टाइम लगता है, इसलिए अपन इससे चलते हैं। अच्छा अच्छा, ये एलिवेटर है, वो एस्केलेटर है। पहुंच चुका हूँ अभी प्लेटफॉर्म पे और बस अभी मेट्रो आने ही वाली है। और टाइम देखिएगा, इस 8 बजने को अभी भी 5 मिनट बाकी है, अपना मेट्रो भी आ गया है, एकदम सही टाइम पे पहुँचेगा इस अपन। उतर चुका हूँ गाइज अभी मेट्रो स्टेशन से, अभी चल रहे हैं अपन ड्यूटी की तरफ। मेट्रो स्टेशन से ड्यूटी का रास्ता पूरा अंधेरा होता है, इसलिए आप लोगों को कुछ दिखेगा नहीं। आप लोगों से अभी बातचीत भी नहीं होगी क्योंकि कंपनी में मोबाइल अलाउड नहीं है, हमें गेट पर मोबाइल सबमिट करना पड़ता है। तो ठीक है गाइज, अभी मिलते हैं पूरी नाइट ड्यूटी करने के बाद, एकदम सुबह मिलते हैं अभी डायरेक्ट। लो अभी फाइनली कंपनी भी पहुँच गया हूँ, मिलते हैं आप लोगों से सुबह। द नेक्स्ट डे, फाइनली गाइज अभी ड्यूटी को छुट्टी हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ एकदम मेट्रो स्टेशन के सामने। सभी लोग चले गए गाइज मेट्रो स्टेशन में, बस मैं पीछे रह गया हूँ। तो चलता हूँ मैं भी मेट्रो स्टेशन। तो गाइज आज मैं छत्रपति चौक में उतरा हूँ, ना कि जयप्रकाश मेट्रो स्टेशन में। बताता हूँ एक प्रॉब्लम है, उसी प्रॉब्लम के लिए मैं आज छत्रपति चौक में उतरा हूँ। गाइज अभी मेट्रो स्टेशन से मैं उतर चुका हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक ये हो रही है कि कल रात में मैंने जो वीडियो एडिट करके अपलोड के लिए लगाया था ना, वो वीडियो अपलोड ही नहीं हुआ अभी तक। अभी 8 बजने को सिर्फ 5 मिनट बाकी है और मेरा व्लॉग 8:05 में अपलोड होता है, लेकिन अभी तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो रीज़न ये है गाइज कि कल मैंने एक VI का सिम लिया था। VI का सिम कैसे 12 से 6 अनलिमिटेड रहता है, तो मैंने उसमें रिचार्ज भी मारा था 350 रुपये का। तो मैं फिर कंपनी में 8 बजे चले जाता हूँ, तो मैंने डाटा ऑन करके वीडियो अपलोड में लगा के कंपनी में गया, तो आज सुबह देख रहा हूँ कि मेरे डाटा दिखाई नहीं रहा मोबाइल पे, बिल्कुल भी डाटा नहीं दिखा रहा, ना कॉल लग रहा है ना कुछ भी लग रहा है, पूरा दिमाग ख़राब हो गया गाइस। स्क्रीनशॉट देख सकते हो आप लोग, अभी भी कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो अभी पूरा दिमाग ख़राब हो गया गाइस, वीडियो अपलोड नहीं हुआ, तो अभी एक जगह बैठा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। एक वाईफाई मिला है तो वहाँ पर बैठ के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फिर जाऊँगा रूम पे, अभी तक मैं रूम पे नहीं गया गाइस। नींद भी ख़तरनाक आ रही है गाइस, क्या बोलूँ, अच्छा खासा ही नींद आ रहा है क्योंकि अभी टाइम हो चुका है ना सोने का, अभी 8 बजने को जा रहे हैं, बस वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम और बाकी है। मैं तो यहाँ ऐसे ही बैठा हूँ, जब तक अपलोड नहीं होगा तब तक तो बैठे रहना ही पड़ेगा, अपलोड होने के बाद निकलता हूँ यहाँ से। A few moments later, व्लॉग अपलोड हो चुका है गाइस, अभी मैं निकलता हूँ रूम के तरफ, जाके फ्रेश वगैरह होते हैं। कल मैं चंद्रपुर से आया था ना गाइस, तो मैंने वहीं पर नाश्ता खाया था सुबह। ले ओ गाइस, अपन अभी अपने एरिया में पहुँच चुके हैं, रूम बस थोड़े ही दूर में है, अपना वीडियो अपलोड हो गया है, तो चलते हैं अभी रूम पे। रूम पर पहुँच गया हूँ, अभी देखते हैं रूम पर कौन कौन है। ये कौन है गाइस, नया इंसान अपने रूम पे क्या कर रहा है ये। फाइनली गाइस मैं अभी रूम पे आ गया हूँ और अभी नींद भी आ रही है, बहुत ज़्यादा सोऊंगा। लेकिन रूम पे अभी हमारा एक नया इंसान आया है, सुमित भाई, नया अभी रहने आया है, तो हम दोनों अभी रहेंगे साथ में और साथ में ऋतिक भाई भी रहेगा। तो ठीक है गाइस, अभी मैं सोऊंगा, आगे अभी जो कुछ भी करूँगा वो सब आप लोगों को अगले वाले ब्लॉग में दिखेगा। तो नए लोग जो भी यहाँ तक वीडियो देख रहे होंगे, आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।